क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस मुसवदे से लाताल्लुकी का इजहार तो कर रही है, लेकिन मोर और लेस चेंजेस इसी किस्म की होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखिए, एक मसला है, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उसने नवाज शरीफ को और तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेकर कहा कि नैब की जो कवानीन है उनमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और इदारों को ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि वो एक तो वो ट्रांसपेरेंट हो और अपना एक रोल प्ले कर सके। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। 2013 में भी मेरी लीडर जरदारी साहब ने फिर ऑफर की, फिर नहीं हुआ। अभी मौजूदा हुकूमत में नैब ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट्स है उसमें मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा कि हम तैयार हैं उन बिल्स को सपोर्ट करने में, उन लेजिस्लेशन में जो कवानीन में आप ले आए और साथ साथ इदारों की मजबूती के लिए, ताकि इदारे अपने डोमेन में काम करें और हुकूमत काम करे और पता चले कि इदारे अपना काम करते हैं और हुकूमत अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, वो हर कदम पर ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो कि आवाज बेहतरी के लिए या इदारों की तरक्की के लिए या इदारों की मजबूती के लिए, मैं नहीं समझता हूं कि उसने आज तक कोई कदम उठाया है। वो एडमिनिस्ट्रेटरी बनाई है प्रेजिडेंट हाउस को और वहां से हुकूमत चलाती हैं और उस हुकूमत को चलाने के लिए वो नाकाम कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि आज भी नेशनल असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है और अगर अमेंडमेंट लाना चाहते हैं इदारों में और इदारों की मजबूती के लिए, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट पे डिबेट होना चाहिए, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और तमाम इदारों की मजबूती के लिए नेशनल असेंबली के फ्लोर से और सेनेट के फ्लोर से ऐसे कानून आने चाहिए ताकि वो इदारे अपना काम करें और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, सियासी इंतकाम ना हो।